Hey, what is up guys? So I'm here and welcome back to another exciting Kinemaster Editing tutorial. Guys, अगर आप मोबाइल के मदद से dispersion effect देना चाहते हैं अपनी वीडियो पे तो उस वीडियो को एकदम आखिर तक देखते रहिए. गाइस ये इफेक्ट Adobe After Effects में होता था लेकिन आप Kinemaster के जरिए भी दे सकते हैं मोबाइल के मदद से. तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट छोड़िए कमेंट बॉक्स में. और अगर ऐसे ही वीडियो बहुत सारे वीडियो देखने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर की नोटिफिकेशन और वीडियोस आपके मिस ना हो जाए. तो चलो यार शुरू करते हैं. ओके गाइस तो चलिए किनेमास्टर में जाते हैं और एम्प्टी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं और अपनी मेन वीडियो को सिलेक्ट करते हैं. गाइस आप कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो रैंडमली जो आप शूट करते हो, ठीक है. तो शूट करने के बाद आपको क्या करना, देखिए मेन पार्ट जो है मैं इधर इसकी स्ट्रीम कर लेता हूँ. ओके और मैं जब चुटके बजा रहा था, ठीक है, तब ठीक है आपको ट्रिम करना है, ठीक है. अब कोई और उसके बाद आपको लास्ट में खाली पोर्शन छोड़ देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से. तो खाली पोर्शन को हम ट्रिम कर लेते हैं, उसके बाद उसका एक कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है. कैप्चर करने के बाद वो खाली पोर्शन डिलीट कर देंगे और कैप्चर वाला फ़ोटो को हम इधर इंपोर्ट कर लेते हैं और उसको सिलेक्ट करेंगे, क्रॉपिंग में जाएंगे और इसको सेट कर देंगे, ठीक है, फुल स्क्रीन कर देंगे. तो उसके बाद क्या करना है, मेन जो पार्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे और कैप्चर एज ए प्ले हेड करेंगे और जाएंगे पिक्सआर्ट में. दोस्तों आपको पिक्सआर्ट की जरूरत होगी, उसके बाद आपको जाना है टूल में और डिस्पर्शन ऑप्शन में जाना है. जाने के बाद मेन काम दोस्तों यही है, ठीक है, मैं जो दिखा रहा हूँ वो आपको करना है. तो आपको सिलेक्ट करना है अपनी पूरी, ठीक है, पूरे फोटो को, ठीक है, सब्जेक्ट को आपको पूरा 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 का पूरा कवर करना है मार्क से, ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए स्ट्रेच एकदम एक से लेकर 100 तक आपको क्या करना है, 10 से 15 फोटो क्लिक कर सेव करना है, ठीक है. उसके बाद डायरेक्शन आपको 68 रखना है और साइज आपको साइज तो आपको पता ही है कि आपको साइज आप जो देना चाहते हो दे सकते हो. उसके बाद स्ट्रेच में जाकर, ठीक है, आपको एक देखिए मैं फास्ट जो फोटो लूँगा वो सेव करूँगा वो है 3 साइज पे. ओके स्ट्रेच करेंगे 3 साइज पे. ओके उसके बाद इसको हम सेव करेंगे गैलरी में. उसके बाद 3 के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको आना है और आपको ऐसा करते करते 100 तक आपको 10 से 15 फ़ोटो सेव करना है अपनी गैलरी में. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके बहुत ही ईजी है दोस्तों. और एक दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, जाना है डिस्पर्शन में और फिर से सिलेक्ट करना है, रेड मार्क करना है अपनी फ़ोटो को, ठीक है, पूरा फ़ोटो को जो अपनी सब्जेक्ट है. उसके बाद साइज को सेम रखना है गाइस 22, ठीक है. उसके बाद डायरेक्शन को भी सेम रखना है 68. उसके बाद फिर से ऐसा करते हुए हमको फ़ोटो सेव कर लेना होगा. तो चलिए बोर हो जाओगे इसीलिए मैं कर दिया था. और चलिए फिर से किनेमास्टर में आते हैं और ये पोर्शन सिलेक्ट करेंगे और लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाकर पिक्सआर्ट से जो चीज़ जो हमने जो 10 से 15 फ़ोटो क्लिक किया था उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है. नेट को ऑफ कर देते हैं ताकि यार अच्छी तरह से हो, यार नहीं तो हैंग कर जाता है. उसके बाद जो फर्स्ट वाला फ़ोटो हमने पिक्सआर्ट से सेव किया था उसको हम कुछ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और फुल स्क्रीन कर देंगे. उसके बाद आपको आउट एनिमेशन में जाकर फेड देना है. उसके बाद फिर से लेयर में जाना है. लेयर में जाने के बाद आपको क्या कर रहे हैं और एक के बाद एक फ़ोटो को हमको इधर सिलेक्ट करना है और इधर आपको 8 से 10 फ़ोटो ही लगाना है. ओके 8 से 10 फ़ोटो याद रहे, फर्स्ट फ़ोटो और लास्ट फ़ोटो आपको इधर देना ही होगा, ठीक है, और मिडिल में आप कोई भी पार्ट दे सकते हो. तो ऐसा आपको करते जाना है, ठीक है, जब तक कि 8 से 10 फ़ोटो ना इधर ऐड हो जाए. ओके सेम प्रोसेस आपको फुल स्क्रीन करना है और फेड करना है आउट एनिमेशन में जाकर, ठीक है, ये हो गया. आपको ऐसे देते जाना है, ठीक है, ये हो गया. एक बार चलाकर मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसा बना है. ओके ये हो गया. तो ये हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं. सेव करने के बाद आपको क्या करना है, पावर डायरेक्टर में जाना है. पावर डायरेक्टर में जाकर जो एक्सपोर्ट करा वो किनेमास्टर से उसको सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्ट करने के बाद देखिए जो हम चुटकी बजा रहे उधर से जब शुरू हो रहा है मतलब हमारा बॉडी स्प्लिट तो उधर हमको ट्रिम करना है और उसके बाद जब ख़त्म हो रहा है उधर भी हमको ट्रिम करना है. जो मिडिल पोर्शन है उसको हमको स्पीड करना है 4x तक दे देना है स्पीड को, ठीक है. तो एक बार चलाकर देख लेता हूँ. ओके ये हो गया. होने के बाद एक बार फिर से चलाकर देखते हैं.
गाइज उसके बाद आपको क्या करना है, अपने साउंड इफेक्ट को देना है, ठीक है। साउंड इफेक्ट देने के लिए इस बटन पर क्लिक करना है, म्यूजिक पे जाना है और अपनी जो हुस वाला जो साउंड इफेक्ट है, ठीक है, उसको इधर लगा देना है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको हम कर लेते हैं गैलरी में सेव। और दोस्तों ये चीज़ अगर आप नहीं कर सकते हो तो और भी एक ज़रिया है, तो बहुत ही आसान है। तो आपको और भी एक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्टूडियो स्टॉप मोशन स्टूडियो नाम है, प्रो वर्सन, ठीक है। इसका एक ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आई बटन पर वीडियो देख लेना, ठीक है। आई बटन पर वीडियो आपको मिल जाएगा, तो इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। प्लस आइकन उसके बाद फिर से प्लस आइकन पर और ऐड इमेज पर क्लिक करना है और पिक्सर पर सिलेक्ट करना है और एक के बाद एक फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। देखिए कैसे एक के बाद एक जैसा मैं कर रहा हूँ, ओके। सिलेक्ट करने के बाद एकदम लास्ट दो फोटो आपको रखना ही है, ठीक है। और उसके बाद इम्पोर्ट में क्लिक कर देना है। इम्पोर्टिंग हो रहा है, होने के बाद आपको क्या करना है, सेटिंग के ऑप्शन में जाना है और अब जो फ्रेम पर सेकेंड है उसको हम 20 कर देंगे, ओके। उसके बाद चलाकर देख लेते हैं, तो बहुत ही स्पीड होंगे। इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे गैलरी में, तो आपको शेयर के ऑप्शन में जाना है और किनेमास्टर सिलेक्ट करना है और HD सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर से रिडायरेक्ट होकर किनेमास्टर में आ जाओगे और चलाकर मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो इसका फुल ट्यूटोरियल मैंने दे दिया था, आप आई बटन पर देख सकते हो। तो इसको हम गैलरी में सेव कर लेते हैं, ओके। बहुत ही ईजी है दोस्तों। उसके बाद इसका जो सारे के सारे इमेज था उसको हमको डिलीट करना है, ठीक है। उसके बाद इधर को पोर्शन रख कर लाना है और जो अभी अभी एक्सपोर्ट किया हो स्टॉप मोशन से, ठीक है, उसको हमको सिलेक्ट करना है और फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है। फुल स्क्रीन करने के बाद देखिए जब ख़त्म हो रहा है चीज़, ओके, तो इधर हमारा चीज़ जो स्प्लिट है वो ख़त्म हो रहा है, तो उधर तक हम ट्रिम करेंगे और लास्ट तक आउट एनिमेशन में जाकर फेड दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आपको साउंड इफेक्ट देना है और अपनी गैलरी में सेव करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है दोस्तों, और आई होप कि दोस्तों इस वीडियो के अंदर, इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं सिखा चुका हूँ कि डिस्पर्शन इफेक्ट आप कैसे दे सकते हो अपनी मोबाइल के मदद से। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर पसंद है इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताना कैसा लगा। और अगर ऐसे ही बड़े बड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साइड में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि फ्यूचर के नोटिफिकेशन वीडियो से मिस ना हो जाए। और स्क्रीन पर दो वीडियो आपको नज़र में आ रहे होंगे, वो उसके ऊपर टैप करके वो दो वीडियो आप देख सकते हो। तो चलिए यार, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।